भारत ने महसूस किया था कि भारत से मिले असहयोग के कारण अंग्रेज भारत में आ सके थे। इस ध्यान में रखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के अशुभ दिन में असहयोग आंदोलन को गति दी। गांधी जी ने स्वराज या स्वशासन के लक्ष्य को निर्धारित किया, जो तब से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श बना। इसी पर आधारित मैंने गांधी जी की एक प्रतिमा को बनाया है, जिसको लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा बनाया गया है। ये सभी टुकड़े वेस्ट लकड़ी होती है, जो अनुपयोगी होती है, उनको उपयोग में लाकर हमने गांधी जी की पेंटिंग को बनाया है।